दोस्तों नमस्कार। इससे पहले मैंने जो आरसीएम की अपग्रेडेड प्लान का वीडियो बनाया था उसमें जो आपने समर्थन दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइटल लेवल पर इनकम इस अपग्रेडेड प्लान में किस प्रकार आएगी, कितनी रेगुलर इनकम आएगी, कितना मासिक बोनस आएगा, कितना वार्षिक बोनस आएगा और क्या एक स्टार अचीवर आसानी से एक शानदार बाइक खरीद पाएगा एक साल की मेहनत के बाद। इन सभी बातों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में MD, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा उद्देश्य है आपको वाइटल लेवल की इनकम के बारे में बताना और ये देखना कि क्या एक स्टार पिन लेवल अचीवर एक साल की मेहनत से एक शानदार बाइक खरीद सकता है। इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक परचेज इंसेंटिव रेट्स क्या क्या है। जो खरीदारी आप करेंगे उसमें जो PV होगा उसके ऊपर कितना हमें परसेंटेज मिलने वाला है। 5,000 पर हमें 2%, 10,000 पर 4.5%, 20,000 पर 7%, 40 पर 9.5%, 70,000 पे 12%, 1,15,000 पे 14.5%, 1,70,000 पे 17%, 2,60,000 पे 19.5% और 3,50,000 पे 22% कमीशन हमें मिलने वाला है। हर लेवल की इनकम मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। आपके सामने हर इनकम की एक PPT होगी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें जो हम लेवल कवर करेंगे इनकम में वो होंगे 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70, 2,60 और 3.5। सबसे पहले 10,000 PV पर कितनी इनकम होगी। हमने माना दोनों लेगों में 5,000 PV है उसको, तो 10,000 पे 4.5% के हिसाब से टोटल इनकम बनी 450 रुपये। 5,000 की इनकम 2% के हिसाब से बनी 100 रुपये, तो उस व्यक्ति की नेट इनकम बनेगी 450 माइनस 200 अर्थात 250 रुपये। 1,000 के लेवल पर 250 रुपये कैश आते हैं। दूसरा लेवल है 20,000, इसमें 7% के हिसाब से 1,400 रुपये की इनकम होती है। 1,00,000 में 15,000 है तो वहाँ 4.5% के हिसाब से 675 रुपये आते हैं और दूसरी लेग में 5,000 है तो वहाँ 2% के हिसाब से 100 रुपये आता है। हमारी जो नेट इनकम है वो 20,000 पर बनेगी 625 रुपया। तीसरे एग्जाम्पल पर है 40,000 PV पर इनकम 9.5% के हिसाब से 3,800 रुपये। 1,00,000 में 25,000 है तो उसके ऊपर 7% के हिसाब से 1,250 रुपये। दूसरी लेग में 15,000 है तो 4.5% के हिसाब से 675 रुपये। 40,000 पर जो हमारी नेट इनकम बचती है वो है 1,875 रुपये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 70,000 PV, इसमें 12% के हिसाब से 8,400 टोटल इनकम है। 1,00,000 में 45,000 है तो वहाँ 9.5% के हिसाब से 4,275 रुपये की इनकम है और दूसरी लेग में 25,000 है वहाँ 7% के हिसाब से 1,250 रुपये। तो 70,000 वाले की जो नेट इनकम बचती है वो है 2,875 रुपये। पांचवा एग्जाम्पल है 1,15,000 पर 14.5% के हिसाब से 16,675 रुपये टोटल इनकम है। 1,00,000 में 70,000 है तो उसमें 12% के हिसाब से 8,400, दूसरे लेग में 45,000 है तो 9.5% के हिसाब से 4,275। इस 1,15,000 वाले व्यक्ति यानी ईगल की जो नेट इनकम बचती है वो है 4,000 रुपये। अगला एग्जाम्पल है 1,70,000 का, वो 17% के हिसाब से 28,990 टोटल इनकम है। 1,00,000 में है 70,000 तो 12% के हिसाब से 8,004, 1,00,000 में है 1,00,000 तो 12% के हिसाब से 12,000। तो इसकी 1,70,000 वाले की जो नेट इनकम है वो है 8,500 रुपये। अब हम इनकम देखेंगे
विनर की 2,60,000 वाले 19.5% के हिसाब से टोटल इनकम 50,700 रुपये। 1 लाख में 1,60,000 है तो वहाँ 14.5% के हिसाब से 23,200 इनकम होगी। 1 लाख में 1 लाख है तो 12% के हिसाब से 12,000 होगी। इसकी बची वो है 15,500 रुपये। और अब लास्ट में आती है स्टार लेवल, 3.5 लाख के ऊपर 22% के हिसाब से टोटल इनकम 77,000 रुपये। 1 लाख में हमने लिया 2,50,000 तो वहाँ 17% के हिसाब से 4,500 इनकम होगी। दूसरे में लिया हमने 1 लाख तो वहाँ 12% के हिसाब से 12,000 रुपये होगी। इसकी नेट इनकम बची 22,500 रुपये। ये स्टार तक की रेगुलर इनकम है। अगली स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैंने पॉइंट्स और पॉइंट्स की इनकम क्या है। यदि एक महीने की टोटल टर्नओवर कंपनी का होता है 1 करोड़ रुपए, तो वाइटल लेवल पर 2% के हिसाब से 2 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। 1% मासिक बोनस के रूप में और 1% वार्षिक बोनस के रूप। इसमें एक ओपनर की रेगुलर इनकम थी 2,875, एक पॉइंट का 1,000 रुपये मिलेगा इसको, तो इसकी मासिक इनकम बन जाएगी 3,875। ईगल में इनकम थी 4,000, उसको 2 पॉइंट मिलने हैं तो 2,000 रुपये हो गए, तो इसकी टोटल इनकम होगी 6,000 रुपये। रनर की इनकम थी 8,500, इसको 3 पॉइंट मिलेंगे अर्थात 3,000 रुपये यानी 1,500 हो गए। विनर की इनकम थी रेगुलर 15,500, इसको 4 पॉइंट यानी 4,000 रुपये, इसकी इनकम हो जाएगी 19,500। और स्टार की रेगुलर इनकम है 22,500, इसको 5 पॉइंट मिलेगी यानी 5,000 रुपये, इसकी इनकम हो जाएगी 27,500 रुपये। दोस्तों, एक स्टार अचीवर को 5,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और इसी दर से उसको मिलेंगे साल के आखिर में, तो उसकी जो बोनस है वो बन जाती है 1,20,000 के आसपास। अर्थात उसको जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगा रेगुलर इनकम के अलावा वो होगा 1,20,000 रुपये। और मैं समझता हूँ कि 1,20,000 में वो एक शानदार बाइक खरीद सकता है। दो ही शर्तें हैं, लगातार काम करना है और लगातार ग्रोथ करनी है। बी लेग में जो आपकी बी लेग है उसमें हर महीने वृद्धि होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपये की क्यों ना हो, तभी आपको पॉइंट मिलेगा। तो आपको बाइक खरीदनी है, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि बी लेग में हमेशा हम बढ़ा करके काम करेंगे। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैट बॉक्स में जा करके अपने विचार लिखिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।